Assalamualaikum friends and family. I hope आप सब खैरियत से होंगे और खूब मजे में होंगे. Welcome to our Spit Mama Maria Khurram. Today I'm going to share a very unique and different recipe for ice cream. Ice cream बनाना घर पे is not an easy task. You need a special equipment. आपको ice cream churning machine चाहिए होती है, फिर बाकी चीजें भी चाहिए होती हैं तो आसानी से मिल जाती हैं. बट इस रेसिपी में मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ उसमें आपको ना कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है, ना ही हैवी व्हिप्ड क्रीम की ज़रूरत है, ना ही इसमें अंडे डलेंगे और ना ही बहुत ढेर सारी चीनी. क्रीम होती है थोड़ी सी और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो मैं आपसे शेयर करूँगी आगे जाके. ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक काफ़ी हेल्दी आइसक्रीम है, बहुत आसानी से घर में बन जाती है एंड टेस्ट रियली गुड. So if you like this recipe, do not forget to try it at home and do not forget to share your feedback in comments. So let's see. 6 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद इस आइसक्रीम का टेक्सचर और लुक कुछ इस तरह से आएगा. इसके बाद हम नोट करते हैं चॉकलेट आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहले आपको चाहिए कोकोनट क्रीम, किसी भी अच्छे ब्रांड की ले लें, 1 and 1.5 cups. कोको पाउडर 1/2 cup. बेकिंग चॉकलेट किसी अच्छे ब्रांड की 1 cup. हाफ कप ब्राउन शुगर. वन टीस्पून वनीला एसेंस. इसके साथ ही हमने कुछ चॉकलेट फ्लेक्स ले लेने हैं. आप चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं टू फॉर ड्रेसिंग और आइसक्रीम के अंदर डालने के लिए. हाफ कप रेगुलर क्रीम. अब किसी खाली बोल में आपने 1 by 1 ये सारी चीज़ें डाल देनी हैं, जिसमें जो मोटी चंक्स की चॉकलेट थी वो हमने डालनी है. इसके साथ ही इसमें आप शुगर डाल दें, फॉलोड बाय कोको पाउडर एंड फाइनली आवर क्रीम. इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने 2 मिनट के लिए माइक्रो में राउंड देना है और फिर इसको स्पैटुला की मदद से मिक्स कर लेना. ये काफ़ी डेंस सा बैटर बन जाएगा बिकॉज इसमें लिक्विड्स कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ क्रीम है और वो भी काफ़ी थोड़ी है. इसको आप अच्छी तरह से स्पैटुला की मदद से मिक्स कर लें यहाँ तक कि इसका टेक्सचर ऐसा आ जाए. ये बिल्कुल ब्राउनी बैटर की तरह लग रहा है और अब हम इसको रख देंगे और आगे फिर हमने इसी बैटर को मिक्स करना है कोकोनट क्रीम में. हमने अच्छी तरह से बैटर को फेंट लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस असाइड. ये रूम टेम्परेचर में खुद ही ठंडा हो जाएगा. मीनवाइल आप कोकोनट क्रीम को अच्छी तरह से फेंट लें. मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, आप हाथ से भी फेंट सकते हैं. यूज़ एनी हैंड हेल्ड विस्क और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेसिपी में. इट वुड बी जस्ट एज परफेक्ट एज इट वुड बी. 2 मिनट फेंटने के बाद आपने इसमें चॉकलेट बैटर शामिल कर लेना है. और इसको अब मज़ीद 2 मिनट तक आप बीट करें यहाँ तक के सारे इंग्रेडिएंट्स कोकोनट क्रीम के अंदर मिक्स हो जाएं. इसके साथ ही आप वनीला एसेंस डाल दें. वनीला एसेंस ऑप्शनल है क्योंकि हम अंडे तो इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, अंडों की स्मेल आती है और लेकिन आई लाइक इट स्मेल तो मैंने वनीला एसेंस इस्तेमाल किया है. इसके साथ ही हमने जो चॉकलेट फ्लेक्स कटे हुए रखे थे ये मैंने बेकिंग चॉकलेट के ही लिए हैं. आप डेरी भी ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट बेस भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू. चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं. ये जब आइसक्रीम जम जाएगी तो उसका बहुत मज़े का टेक्स्चर आएगा.
इसके बाद इसको आप किसी भी बोल में शिफ्ट कर दें, एयर टाइट बोल लें। मैंने ये बोल लिया क्योंकि मैंने इसमें ही सर्व करना था आगे, और फिर इसको क्लिंग रैप से टाइटली रैप कर दिया ताकि कोई किसी किस्म की भी एयर इसके अंदर ना जाए। किसी भी आइसक्रीम रेसिपी की तरह इस आइसक्रीम को भी आपने जब बना लेना है और इसको फ्रीजर में रखना है, इसको एयर टाइट डब्बे में रखना है। एयर टाइट डब्बे में रखें, फॉइल चढ़ा दें, मेक श्योर इसके अंदर किसी तरह से भी एयर ना जाए, वरना इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे। 6 घंटे बाद हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर कुछ ऐसी होगी। आप 6 घंटे मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। दिस आइसक्रीम इज़ रेडी एंड एन्जॉय दिस रेसिपी। इसके ऊपर आप बेशक चॉकलेट सिरप स्प्रिंकल कर लें, चॉकलेट्स डाल लें। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड इफ़ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अमेजिंग रेसिपीज़।